नमस्कार दोस्तों, स्नेक सेवर विवेक दुबे में आपका स्वागत है। आज हमें सुबह सुबह कॉल आया कि कोई सांप देखा गया है, चलो देखते हैं कौन सा सांप है। और मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि सांपों को मारे ना, क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण मित्र है, हमें जब भी कॉल करें हम उसका रेस्क्यू करेंगे। चलो वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि लोगों तक हम अपना मैसेज पहुँचा सकें, सांपों को मारना नहीं चाहिए। चलो देखते हैं कौन सा सांप है, बने रहिए वीडियो में। देखो दोस्तों, जैसे कि आ चुके हम आंगनबाड़ी सेंटर है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं पढ़ाई करते हैं, और जहाँ पर स्नेक घुस चुका है और 10 बजे स्कूल भी लगने वाला है। जहाँ पर देखते हैं काफ़ी ऊपर सामान है और इसमें छुपा है सांप, चलो निकालते हैं उसको, कौन सा सांप है, बने रहिए वीडियो में हमारे, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं। नमस्कार। देखो दोस्तों, जैसे हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है जहाँ पर सांप पकड़ने में, और छुप गया कहीं पर और रात का जहाँ पर ही बैठा है। देखिए जहाँ पर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लग रहा है रॉक पाइथन है ये। देखते हैं निकालते हैं इसको, और कोई पता नहीं है हमें सांप पकड़ते पकड़ते सांपों को बचाते बचाते क्या पता अपनी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। इसलिए लोगों को दुआ कीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू कर सकें और सांप हमें बाइट ना करे, क्योंकि खतरा तो होता ही है जब हम रेस्क्यू करते हैं, हम सेफ्टी के साथ रेस्क्यू करते हैं। देखते रहिए वीडियो हमारी पूरी, अभी निकालते हैं, काफ़ी ऊपर है, टेबल के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है हमें। देखिए जहाँ पर, काफ़ी सामान पड़ा है बच्चों का, निकालते हैं। रॉक पाइथन का बच्चा है जी, अभी छोटा है दोस्तों, ये बैठा है यहाँ पर रॉक पाइथन, चलो निकालते हैं इसको, देखते हैं। काफी बिग साइज का है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, अभी बच्चा ही है जी। तो वीडियो ही लग गया ना, पकड़ना और क्या करना, बोले देखिए रात पैसा का बच्चा है जी, काफी फुंकार मार रहा है। ये देखो राघव भाई तुमने बचाया है, और लोग अब इसको रसल भाई पर समझते हैं। आज हम इसी के बारे में वीडियो बनाएंगे, रसल भाई पर कौन सा और राघव भाई तुम कौन सा। Thank you.
देखिए जरे पहचान कर लीजिए इसकी, राग पाइथन ने पकड़ लिया अभी। एक मिनट राजे को ले बोल। इधर इधर आइयो की साइड से। नारायण हॉस्पिटल में इन्होंने हमें कॉल किया सुबह कि सांप देखा गया है, और जहाँ पर ये आंगनबाड़ी सेंटर है बच्चे आते हैं पढ़ने। देखिए ये कम से कम 1-1.5 मीटर के करीब है। पकड़ो पकड़ो कैसे नहीं आता। करते हैं पैर इसको, और हमारी वीडियो देख के ऐसी गलती बिल्कुल ना करें क्योंकि सांप जानलेवा है और इसमें बिल्कुल जहर नहीं होता है, लेकिन काटता जोर से है। चलिए